तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। मैं स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम एक्सपर्ट नॉल है। तो गाइस फाइनली आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आईटीबीपी के लिए। आपको दोस्तों फॉर्म कैसे फिलअप करना है जो गाइस आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए जो आपको नोटिफिकेशन अभी आ गया है एंड स्टार्ट भी हो चुके हैं फॉर्म आपके। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट टू पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल एजुकेशन एंड स्टेट डायरेक्ट काउंसलर। तो गाइज आपकी जो वैकेंसीज हैं ये आ चुके हैं, आपको पता भी होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इन वैकेंसीज को लेके, तो भाई जो आपके वैकेंसीज के जो फॉर्म है बहुत ही मस्त आपकी पोस्ट है यहाँ पे। और अगर हम दोस्तों बात करें नोटिफिकेशन के बारे में, तो गाइज एक बार आप चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर, आपको मैं इसके बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल एजुकेशन एंड स्टेट काउंसलर। तो गाइज वैकेंसीज बहुत ही मस्त हैं आपकी, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं एंड ग्रुप सी की पोस्ट है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जो आपकी डेट है फॉर्म भरने की, जो डेट है गाइज 13 अक्टूबर आपकी फॉर्म भरने की डेट है, लास्ट डेट आपकी 11 नवंबर की है। 11:59 पे ये आपकी साइट बंद हो जाएगी 11 नवंबर को रात में, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, 23 टोटल पोस्ट हैं आपकी, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। एज लिमिट आपकी 20 से 25 साल होनी चाहिए। और जो कि SC ST OBC वाले हैं, OBC को 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट यहाँ पे दी गई है, ओके। एंड बात करें गाइज क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके पास डिग्री होना चाहिए, साथ में आपके पास गाइज साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो हेड कॉन्स्टेबल एजुकेशन स्टेट्स काउंसलर में, ठीक है। या फिर गाइज आपके पास डिग्री के साथ साथ एजुकेशन का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने एजुकेशन कर मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रखा हो तो भाई आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, या फिर आपने बैचलर ऑफ टीचिंग कर रखा हो तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। गाइज हम चलते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे भाई आपको बता देता हूँ मैं फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करना है। अगर आप गाइज इस फॉर्म को भरने के लिए मतलब इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हो आपसे इंपॉर्टेंट जानकारी मिस हो सकती है। तो गाइज जो भी मेरे भाई बंधु फर्स्ट टाइम यहाँ पे साइट पे आए हैं, फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको न्यू यूजर यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू यूजर के ऊपर, ठीक है। हमें यहाँ सबसे पहले भाई अपना कर लेना रजिस्ट्रेशन, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना नाम। आपका भाई जो भी नाम हो आप डाल सकते हो, मेरा नाम मत डालिएगा प्लीज, ठीक है। आप अपने नाम के अनुसार यहाँ पे डाल सकते हो। तो गाइज मैंने यहाँ पे नाम यहाँ पे डाल दिया है, अब भाई आपको डालनी है अपनी ईमेल आईडी। तो गाइज मैं ईमेल आईडी डाल लेता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ईमेल इज अवेलेबल फॉर साइन अप, तो भाई हमारा जो ईमेल एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज मैं यहाँ पे दोबारा भी डाल लेता हूँ, कन्फर्म कर देते हैं ईमेल को हम अपने। तो गाइज यहाँ पे आपको भाई पासवर्ड बनाना कुछ अच्छा सा अपने लिए, कुछ पासवर्ड भाई कुछ भी आप बना सकते हो जो आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भाई बना लेता हूँ कोई। तो गाइज मैंने पासवर्ड बना लिया है, और गाइज फिर पासवर्ड बनाने के बाद भाई आपको देखिए डीओ भी डालनी है आपकी, जो आपकी डीओ भी है आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो डीओ भी आपको पक्का यहाँ पे फिलअप कर लेनी है आपने। गाइज मैं यहाँ पे DOB डाल लेता हूँ, इतना वेट करें। तो गाइज यहाँ पे आई थिंक 6 करना पड़ेगा। तो भाई आपको अपनी DOB डाल देनी है, ठीक है। ऐसे आप DOB डाल के अपने फॉर्म को एकदम मस्त तरीके से फिलअप कर सकते हो, ओके गाइज। कुछ भी आपका डाउट बचे फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, सर मेरा ये डाउट रहेगा बता दीजिए, मैं भाई आपका 110% रिप्लाई करूँगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना सेक्रेटरी क्वेश्चन ढूंढ लेना कोई भी, मैं यहाँ पे फेवरेट गेम कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है एंड कैप्चा कोड आपको फिलअप कर देना है। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल आसान स्टेप्स में मैं बता रहा हूँ आपको, आपको ज़्यादा मैं हड़बड़े नहीं कर रहा हूँ कि ये करना है वो करना है, नहीं नहीं बस ये सिंपल सा स्टेप्स हैं, ये सब करो और सबमिट पे क्लिक कर दो। तो मैं सबमिट पे क्लिक कर दिया है मैंने दोस्तों अभी, और अब देखते हैं यार हमारा रजिस्ट्रेशन होता है नहीं होता है। तो गाइस फाइनली हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, आपने देख भी लिया होगा। अब गाइस हम चलते हैं अपने होम पेज पे, लॉग इन कर लेते हैं इसको एक बार। तो गाइज देखिए इससे पहले आपको अपने ईमेल आईडी पे जाना है। तो गाइज देखिए फर्स्ट में आपके पास आ चुका है रजिस्ट्रेशन मेल, ठीक है। हाय प्रदीप, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड प्लीज क्लिक द लिंक। तो भाई हमने क्लिक पर जो हमारा लिंक हमारे पास आया उस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लीज क्लिक द लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो भाई सबसे पहले हमें अपनी ईमेल आईडी पे जाके
जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है वो करने के बाद आपको एक्टिवेट करना जरूरी है, तभी आप अपना फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ अपनी ईमेल आईडी दोबारा से। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी है, पासवर्ड आपको फिलअप कर लेना है, जो पासवर्ड आपने बना रखा है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, कैप्चा कोड आपको डाल देना है। तो गाइज कैप्चा कोड मैंने डाल दिया, लॉगिन पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो गाइज देखते हैं, तो भाई देखिए जो आपकी जो साइट है वो ओपन हो चुकी है, हमारा जो गाइज फॉर्म भरने का स्टेप्स हैं सब ओपन हो चुके हैं, आपको ऊपर अपना नाम मिल जाएगा। ठीक है, जो आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं वो आपको लाइव यहाँ पे देख सकते हो, आप इसके जो स्टेटस देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले गाइज आपको आना है प्रोफाइल डिटेल्स में। ठीक है, सबसे पहले प्रोफाइल डिटेल्स में आना है, या भाई आपको अपने बारे में जानकारी प्रोवाइड यहाँ पे इनको करानी है तो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। तो गाइज मैं यहाँ पे अपना कोई भी फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो एक अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा ताकि आपका एडमिट कार्ड आ जाए। अगर आप फॉर्म में मिस्टेक कर देते हो तो एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा, क्योंकि ITBP एक ऐसी एक आपको पता है कि एक आर्मी आपकी फोर्सेज है, वो पैरामिलिट्री फोर्स है, तो वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं चलती आपकी। जो फॉर्म सही करेंगे उनका ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज सबका फॉर्म रिजेक्ट करके डाल देते हैं वो। ठीक है, तो ऐसा आप ना करें, फॉर्म को अच्छे ढंग से फिलअप करें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। तो फादर नेम आपको डाल देना है, ठीक है, फादर नेम डाल देना है, जो आपकी कंट्री आप जहाँ से बिलोंग करते हो आपको वो डाल देना है, तो मैं इंडिया डाल देता हूँ यहाँ पे, और एड्रेस आपको डाल देना है। ठीक है, तो गाइज मैंने यहाँ पे डाल दिया है एड्रेस। देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्म मैं भर रहा हूँ ओनली टेस्ट के लिए फॉर्म है, तो प्लीज़ आप अपनी डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिलअप कीजिएगा। ठीक है, अपने जो आपकी डिटेल्स हैं अच्छे से देखिएगा फिर फिलअप कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा बस हवा में तीर मत मारिएगा, अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर भी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कुछ भी बाद में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पिन कोड डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे मेरा जो एड्रेस है दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ। एंड रीजन में आपको भाई आप जो भी हैं, बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, हिंदू हैं, जैन हैं, आप डाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे हिंदू डाल देता हूँ, मैं इंडियन डाल देता हूँ यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे भाई आपको डाल देना है अपने एजुकेशन जो आपने कर रखा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले प्लस टू कर देता हूँ, SBSE बोर्ड कर देता हूँ, एंड मार्क्स जो मेरे परसेंटेज आए वे कर देता हूँ यहाँ पे, एंड आपको प्लस फिर कर देना है यहाँ पे, एक एजुकेशन को और आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे भाई आपको पता है जो फॉर्म है आपके किस चीज़ के ऊपर है, आपको पता होगा बैचलर ऑफ एजुकेशन के ऊपर फॉर्म आए हुए हैं, साइकोलॉजी आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने ये सब कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, इस बात पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मार्क्स आपको डाल देना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी डाल देता हूँ, 50% डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मेल डाल देते हैं हम अपना, और अनमेरिड डाल देते हैं। आपको ये सब स्टेप्स अपने अनुसार डालने हैं, ठीक है, मेरे अनुसार मत डालिएगा। जो मैं कास्ट यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है, अगर आपकी कास्ट UR है तो आपको 100 rupees फीस पे करनी पड़ेगी, आपको पता भी होगा। तो स्टेप आसान स्टेप हो जाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे ही डाल रहा हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है इसमें। और अगर आप इम्प्लॉयज हो ऑलरेडी तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो सर्विस एक्सक्रिप्शन पे। और अगर आप गाइस आर यू डिपेंडेड ऑन वैन किल्ड इन 1984 पे अगर आप डिपेंड थे, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कोई ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो आपको उसको अलग से आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। तो इनमें से मैं किसी से भी मतलब अफेक्टेड नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे नोट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ अबो 3, तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ इसको अभी। तो गाइस मैंने आई थिंक क्लोज सर्विस का आई थिंक हमें ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, ये सर्विस चूज के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे गाइज ITP एम्प्लॉय प्राइवेट है, या फिर आपको कुछ डाल देना है यहाँ पे, ठीक है, तो हम इस पे डाल देते हैं अनएम्प्लॉय, ठीक है, क्योंकि हम कोई एम्प्लॉय नहीं, हम बेरोजगार आदमी हैं, तो यहाँ पे मैंने बेरोजगार डाल दिया है। ठीक है, तो मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज देखते हैं अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या आएगा। आपको गाइस फॉर्म को बिल्कुल अच्छे से फिलअप करना है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर मेरी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ बता दीजिए, मैं भाई आपको 110% रिप्लाई करूँगा, टेंशन ना लें आप। तो गाइस देखिए, इतना सब करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे आना है, ये सब अपनी डिटेल्स को पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे आना है।
और गाइज अपलोड डॉक्यूमेंट पे आके जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने एक और ऑप्शन खुलेगा अपलोड इमेज वाला। तो गाइज यहाँ पे देखिए अपलोड इमेज वाला ऑप्शन खुल गया है। तो मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे एक बार और अपना फ़ोटो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज देखिए फ़ोटो हमारा यहाँ पे आ चुका है। एंड हम अपने डाल लेते हैं सिग्नेचर, आप कोई भी गाइज ऐसे डाल लेना सब कुछ अपना। और हम इसको कर देते हैं आई हैव डिक्लेयर्ड। तो डिक्लेयर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है और हमने फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड भी कर दिया है। दोस्तों ये सब स्टेप्स होते हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ज़्यादा आपको हड़बड़ी नहीं करनी है कि फॉर्म को मैं ये डाल दूँ वो डाल दूँ। जो आपकी मार्कशीट में है वही आप यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कीजिएगा, नाम फिलअप कीजिएगा, सरनेम अगर आप लगाते हो तो ये डालें, अगर नहीं लगाते तो छोड़ दो, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, टेंशन ना लें आप। तो देखिए फोटो सिग्नेचर यहाँ पे आ चुके हैं और आई हेयर बाय हम दोबारा कर देते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ मैं ना है। एक सेकंड का वेट कीजिए थोड़ा सा, फिर कहीं आपको आना है माई एप्लीकेशन पे, ठीक है, या फिर अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो आप। एप्लीकेशन स्टेटस जो आप चेक करते हो वो चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2022 13/10/2022 को आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 11 तारीख आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पे हेड कॉन्स्टेबल की पोस्ट है, एजुकेशन स्टेट्स काउंसलर की है, जनरल यहाँ पे दिया गया है, बोथ मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो मैं अप्लाई, जीरो फीस एप्लीकेबल। यहाँ पे दोस्तों जीरो फीस एप्लीकेबल इसलिए आया क्योंकि मैंने कास्ट यहाँ पे SC डाली थी। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ इसको। तो गाइस यहाँ पे देखिए आई एग्री, मैं एग्री हूँ, मैंने जो एड्रेस डाला है आप देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि अगर आप देखिए मैं प्रण करता हूँ कि मैंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में हेड कॉन्स्टेबल के लिए प्रकाशित विज्ञापन को सर्वाधिक पढ़ा है। गाइज ये कह रहा है कि अगर आपने जो भी क्वालिफिकेशन डाली है आपने सब कुछ आपने अच्छे ढंग से पढ़ी या फिर नहीं पढ़ी है तो एक बार आप चेक यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इससे एग्री हो तो एग्री करें। तो मैं एग्री हूँ, मैंने जो डाला है मैंने बिल्कुल अपना सोच समझ के डाला है। तो नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ से मैं। गाइज ये यहाँ पे देखिए जो मेरा पूरा बायोडाटा यहाँ पे आ चुका है, मेरे फॉर्म का जो प्रीव्यू है मेरे सामने आ चुका है। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और आपको पता है मेरी फीस नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ इसको। तो गाइज देखिए जो अपना फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। यहाँ से मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख सकता हूँ, आपको भी ऐसे ही अपना फॉर्म देख लेना है। तो गाइज देखिए जो मेरा फॉर्म है मेरे सामने आ चुका है। इसका आप अगर प्रिंट लेना चाहते हो कंट्रोल प्लस आपको पी कर देना है, टेंशन आपको लेना नहीं है बिल्कुल भी। कंट्रोल प्लस पी करोगे तो आपका जो प्रिंट आउट है आपके हाथ में आ जाएगा, हाथ में ऐसे नहीं आएगा, वो आपको प्रिंट आउट से निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो गाइज ये सब स्टेप्स हैं आपके जो आपको क्लियर करने हैं, जो क्लियर करने के बाद आपका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आसानी से फिलअप हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने भाई आपके लिए इतनी मेहनत की है तो भाई थोड़ा बहुत फर्ज आपका भी बनता है। जो मेरे भाई बंधु पर्सनली तैयारी करना चाहते हैं ITBP की, जो मुंबई पुणे से बिलोंग करते हैं, वो मुझे पर्सनली मेरे पर्सनल नंबर पे फोन कर सकते हैं। गाइज हमारा खुद का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम स्टडी करवाते हैं, आप एकदम तैयार कर देंगे आपकी जॉब के लिए, आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। अगर आप स्टडी में इंटरेस्टेड हो, पढ़ना चाहते हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आपको मुझसे पर्सनल कॉन्टेक्ट कर लेना है दोस्तों। आपको दोस्तों मैं अपनी इंस्टाग्राम ID दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मेरा मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हो। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।